आप देख रहे हैं TNB। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से टेंशन बढ़ने लगी है। देश में रविवार को ओमिक्रॉन के कुल मामले 150 पार कर गए, जिसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। यहां रविवार को ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिलने के बाद अब कुल 54 मामले हो गए। वहीं राजधानी दिल्ली में अभी तक 22 ओमिक्रॉन संक्रमित है। अब देश में ओमिक्रॉन के कुल 151 मरीज हो चुके हैं, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। ओमिक्रॉन के साथ साथ अब कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना वायरस के बढ़ते मामले में एक बार फिर लोगों को सहमा रहे हैं। रविवार को दिल्ली में 6 महीने बाद कोरोना के 107 मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले यहां 25 जून को एक दिन में 115 कोरोना केस आए थे। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर कोविड के 902 नए मामलों ने खलबली मचा दी है। कोरोना वायरस केस में इजाफा के साथ ही दिल्ली में संक्रमण दर 0.17% हो गई है। इससे पहले 22 जून को 0.19% दर आंकी गई। इस संक्रमण से 10 दिन बाद दिल्ली में एक मौत भी हुई है, यानी कोरोना से अब तक मौतों का कुल आंकड़ा 25,101 हो गया है। उधर महाराष्ट्र में रविवार को 902 कोविड केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही 767 संक्रमितों की रिकवरी भी हुई और 9 लोगों की मौत भी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि अभी राज्य में कोविड के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 7,068 है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के एक दिन में 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक इस स्वरूप के दैनिक मामलों की सर्वाधिक संख्या है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 90,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। ब्रिटिश स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने शनिवार को ओमिक्रॉन स्वरूप के 10,059 नए मामलों की पुष्टि कर दी है, जो कि शुक्रवार को इस स्वरूप के सामने आए 3,201 मामलों से 3 गुना से अधिक संख्या है। इसके साथ ही ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 24,968 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 90,418 नए मामले सामने आए, जबकि 125 मरीजों ने इस घातक वायरस के कारण दम तोड़ दिया। वहीं देश में वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 7 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ओमिक्रॉन के मामलों की बढ़ती संख्या के चलते सरकार द्वारा सख्त लॉकडाउन नियमों को लागू करने की योजना संबंधी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा, हमने पूर्व में देखा है कि सरकार ने किस तरह महामारी का मुकाबला किया। हम जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। हालांकि सरकार कोई भी कदम आंकड़ों पर आधारित होगा, हम आंकड़ों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस पर वैज्ञानिकों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी है, जिसे लेकर मैं भयभीत हूँ। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन कोरोना के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन जिस तरह से कहर बढ़ पा रहा है, इससे अब कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही अब कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि इसकी पीक कब आएगी ये देखना भी अहम होगा, लेकिन इन सब खतरों से सावधान रहने की आवश्यकता है और इसलिए हम सभी को कोरोना से बचने के लिए जो हर संभव उपाय है वो करना बेहद जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।